क्यों आखिर क्यों लगातार फ्लॉप हो रहे हैं खेसारी लाल यादव। जी हाँ, जो खेसारी के फैंस हैं, जो खेसारी के फैंस नहीं हैं, सभी इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसा है जिसके बाद आप खुद कहेंगे कि खेसारी लाल यादव पहले से काफ़ी बदल गए हैं। वैसे हम आपको बता दें, भोजपुरी में बहुत ही कम एक्टर ऐसे होते हैं जिन्हें रातों रात सफलता मिलती है, और खेसारी ने कड़ी मेहनत और उनकी किस्मत ऐसी थी कि उन्हें बड़े जल्दी ही लोगों के बीच लोकप्रियता मिल गई। मुकाम पर पवन सिंह 20 साल बाद बैठे हैं, खेसारी उस मुकाम पर 7 से 8 साल के बीच में ही बैठ गए, लेकिन वो इस मुकाम को बना नहीं पाए, उस मुकाम को कायम नहीं रख पाए। बीते साल तक खेसारी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं थी, लेकिन 2021 क्या आया, खेसारी की धड़ाधड़ लोकप्रियता डाउन हुई है, और इसके पीछे कई कारण हैं जो कि अब लोगों को समझ में आ रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह से बंदर को घी हजम नहीं होता, ठीक उसी तरह से खेसारी को अपनी लोकप्रियता पचाने नहीं आई। खेसारी लाल यादव ने यहाँ पर कुछ इतने बड़े बड़े ब्लंडर कर दिए जिसके बाद खेसारी की गिनती कुछ ऐसे एक्टरों में होने लगी जो कि नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम खेसारी की निगेटिव पब्लिसिटी के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको हम कुछ ऐसी बातें बताएंगे जहां पर आपको ये लगेगा कि खेसारी लाल यादव से सचमुच बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। तो चलिए चलते हैं 4 से 5 महीने पहले, जब खेसारी लाल यादव बिहार के DCP से मिलते हैं और वहाँ अपनी बड़ाई में इस कदर रम जाते हैं कि वो भोजपुरी के सबसे बड़े प्रोड्यूसर अभय सिन्हा से ही पंगा ले लेते हैं। यहाँ अभय सिन्हा के बारे में खेसारी लाल यादव ये कहते नज़र आते हैं कि जब भोजपुरी इंडस्ट्री को मेरी ज़रूरत होती है, मैं किस कदर खड़ा रहता हूँ। यहाँ DCP से ये कहते नज़र आए कि भाई, लंदन में जब कोरोना वेव आई तो प्रोड्यूसर भाग गया, और मैंने अपने 1,35,00,000 रुपए लगाकर सारी यूनिट को मुंबई लेकर आया, उनके घर छोड़ा। और इस पर DCP उनकी पीठ थपथपाए बगैर नहीं रहे। जैसे ही ये बात पता चली रितेश पांडे को, क्योंकि ये वीडियो तुरंत वायरल हुआ और इसकी पोल रितेश पांडे ने खोल दी। दूसरे डिस्ट्रिक्ट मैंने ये सब कुछ कह दिया है। अभय सिन्हा को जैसे तैसे खेसारी ने संभाला, लेकिन अभय सिन्हा जैसा प्रोड्यूसर समझ चुका था कि खेसारी किस नस्ल के हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही 2-4-10 दिन बीते ही रहते हैं, वैसे ही खेसारी की गाड़ी का और बस की टक्कर हो जाती है, और ऐसे में बस ड्राइवर को जिस तरह से खेसारी धक्का देते हुए नज़र आते हैं, उसने खेसारी की इमेज को धब्बा लगाया। जी हाँ, खेसारी जैसा सुपरस्टार जब एक छोटी से एक्सीडेंट के लिए देते हुए लाता है और भद्दी भद्दी गालियां बकता है, ये सारी न्यूज़ खेसारी के विपरीत गई। जी हाँ, विपरीत गई। और तो और, उसके बाद खेसारी लाल यादव ने ना उस कंडक्टर से क्षमा मांगी कट, और तो और खेसारी लाल यादव ने ना उस बस ड्राइवर को से क्षमा मांगी और ना ही कुछ कहा। यहाँ पर खेसारी को अपनी गलती तक का एहसास नहीं हुआ कि खेसारी पब्लिक में है। आजकल कैमरा सभी के पास होता है, कोई भी उनकी ये हरकत रिकॉर्ड कर इसको वायरल कर सकता है। उल्टा आम आदमियों की तरह वो अपनी गाड़ी से उतरते हैं, बस कंडक्टर से लेके बस ड्राइवर तक सभी को गाली देते हैं, बस ड्राइवर को पूरा धक्का मारते हुए वो अपनी गाड़ी तक दिखाते हैं कि देखिए ये कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। खैर, ये सब कुछ में एक बार तो उनके फैंस ने खेसारी को ढक लिया, लेकिन उसके बाद जो खेसारी ने किया, उसे न उनके फैंस ढक पाए न कोई। आपको तो याद होगा, अभी कुछ रोज़ पहले ही एक सिंगर ने खेसारी पर गाना गाया। गाना वाकई बहुत भद्दा था, इसके लिए खेसारी लाल यादव रिएक्ट भी कुछ कर सकते थे, लेकिन खेसारी ने जो किया वो एक स्टार को शोभा नहीं देता। खेसारी ने उस लड़के को
और उसकी फैमिली को फिजिकली और मेंटली दोनों हैरेस किया, उसे माफ़ी मंगवाई, उस लड़के को पीटा गया और फिर उसे समझ लीजिए एक तरह से कन्फेश करवाया गया कि वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। और तो और उस लड़के ने रोते हुए भी खेसारी लाल यादव के चमचों और खेसारी लाल यादव से कहा कि मेरे खिलाफ़ ऐसा कुछ मत करिए, मेरी फैमिली को छोड़ दीजिए, मैंने जो किया है उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और उसने अपने उस गाने को भी हटा दिया। उसके बाद खेसारी लाइव आते हैं और उससे भी बड़ा ब्लंडर करते हैं। खेसारी ने जो यूट्यूबर खेसारी के लिए अच्छी या बुरी खबरें बनाते थे, खेसारी ने डायरेक्ट वो सारी चीज़ों के लिए यूट्यूबरों पर ही बरस पड़े और कहा अगर मेरे खिलाफ़ इस तरह से फेक न्यूज़ बनाई गई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। आधे से ज़्यादा यूट्यूबर पवन सिंह और किसी स्टार पर अब न्यूज़ बनाने लगे खेसारी को छोड़कर। वैसे इन बीते दिनों में खेसारी की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा घटी है कि जिस वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज़ आते थे यूट्यूबरों को, अब उस पर व्यूज़ ही नहीं आते। खैर, इससे भी आगे खेसारी ने कई ऐसे काम किए हैं जो कि सिर्फ दिखावे मात्र हैं, जो कि सिर्फ झूठ है। और लोगों के सामने जिस जनता को खेसारी अपना भगवान बनाते हैं उसी जनता को पीठ पीछे कोसते रहते हैं। वैसे ये सारी सच्चाई परत दर परत खुल रही है। जिस मुकाम पर हमने शुरू में कहा आपसे कि पवन को पहुंचने में 20 साल लग गए, लेकिन आज उस मुकाम को पवन समझ रहे हैं। पवन ने कभी किसी यूट्यूबर को अपने खिलाफ या अपने सपोर्ट में न्यूज़ बनाने के लिए नहीं रुका, और ना ही उनके गाड़ी का एक्सीडेंट होने पर वो इस तरह से रिएक्ट किए जिस तरह से खेसारी करते नज़र आए, और ना ही उन्होंने कभी किसी यूट्यूबर को बंधक बनाकर उसकी फैमिली को हरेस किया। अब आप सोचिए कि लगातार खेसारी के गानों के व्यूज़ में भी घटोतरी हो रही है, ना उस पर उतने व्यूज़ आ रहे हैं। खेसारी दिनों दिन लोकप्रियता के पायदान को धीरे धीरे ही सही लेकिन उतरते जा रहे हैं लोगों की नज़र में। काजल राघवानी ने आग में घी का काम किया, काजल ने भी खेसारी से मुंह मोड़ा और उनकी असलियत सभी के सामने लाई। तो क्या कहेंगे आप हमारे इस वीडियो के बारे में, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।